हाय गाइस, सो इट्स 7:30 एंड आई वोक अप एंड अभी मेरे को 10 बजे जाना है, सो आई हैव टू रेडी. ओके, सो लेट्स गो. हाय, सो आई एम बैक एट माय रूम एंड मैं अभी थोड़ा वॉकिंग करके भी आया एंड अभी बजे 8 AM. नाउ आई हैव टू वॉश माय क्लोथ्स एंड मुझे एक डाउट है कि मम्मा कैसे करती है यार. मेरा तो इतना क्लोथ्स वॉश करने में भी जान निकल जाती है. मम्मा हमारे लिए हर रोज करती है. सो थैंक यू सो मच मम्मा फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड फॉर मी. Finally done and it took almost 50 minutes and because I am not used to that so ज़्यादा time लग जाता है. So अभी बज रहा है 8:50. I have to go at 10. So अभी 10 मिनट हम chanting करेंगे and I got some books so थोड़ा सा पढ़ लेंगे. So let's go. एंड अभी थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा बिकॉज ब्रेकफास्ट भी करना है. ओके, सो लेट्स चेंज द क्लोथ्स. सो अभी बज रहा है 9:50 एंड आई हैव टू वियर द मास्क एंड सैनिटाइज माय हैंड एंड लेट्स गो. आज उतना काम नहीं था एक्चुअली. फ्यू डेथ के फॉर्म्स बने थे जिसमें लिखना होता है लाइक व्हेन सैंपल कलेक्टेड, हाउ मेनी डेज पेशेंट स्टेड एट हॉस्पिटल एंड ऑल दैट. सो अभी 1 बजे मैं वापस जाऊंगा लंच करने के बाद हॉस्टल. सो अवर हॉस्टल इज नियर टू द कॉलेज तो आने जाने में उतना टाइम वेस्ट नहीं होता है एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. आई वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, दैट्स वाई. सो आफ्टर एंटरिंग टू द रूम फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू डू इज जस्ट वॉश माई हैंड विद द हैंड वॉश बिकॉज आई हैव टच लॉट्स ऑफ सर्फेस आउट दैट. ओके, सो 1 घंटे की अच्छी सी नींद ले ली. अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे 3-4 घंटे और फिर देखेंगे कि क्या करना है. सो इट्स 4:30 एंड आई थॉट कि मैं बाहर जाके आऊँ थोड़ा सा टहल के आऊँ एंड व्हेन आई ओपन द डोर जे यू कैन जस्ट सी ऑन माय फेस. 1 मिनट मैं बैक कैमरा कर देता हूँ. बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब अभी तो बाहर नहीं जा सकते टहलने. सो मैंने सोचा कि क्यों ना रूम में कुछ कर लेते हैं. सो आई थॉट टू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब और सीरीज और समथिंग एनीथिंग एल्स. तो अभी करीब करीब 6:20 हुआ है एंड हाथ में सूप या तो फिर कॉफ़ी या तो फिर चाय एंड सामने खूबसूरत शाम और मेलोडी सॉन्ग ऑन माय फोन विच आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी. एंड मुझे ऐसे वक्त गुजारना, ऐसे टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है. डिनर एट 7:30 तो मेरे पास 30 मिनट है. तो मैं सोच रहा हूँ कि पैथो के जो इमेजेस मैं सोच रहा था कि कंपाइल करने ऑल तो वो कर दूंगा एंड यू कैन सी दैट आसमान में आज बहुत अच्छे कलर्स है. ब्लू कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज है एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड द सीनारियो इज लाइक ऑसम. हाई, सो आई एम बैक एट 8:50 एंड खाने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ.
सो या अभी मेरे पास 3 घंटे हैं 9 to 12। सो मैं सोच रहा हूँ कि वही पैथो वाली जो स्लाइड्स के फोटोज को कंपाइल करना है वो कर दूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ बना के ब्लॉग पे डाल दूँ, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है। पहले तो इसमें से सर्च करना होता है लाइक कौन सी स्लाइड है, फिर गूगल में से वो इमेज लेना होता है, फिर उसका इमेज बना के उसकी PDF बनाना। सो दैट टेक मोर टाइम। सो मुझे घर पे या कॉलेज जब ओपन होती है तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो मैं अकेला ही हूँ, फ्री हूँ। सो आई थिंक कि बना देना चाहिए और बन भी जाएगा और मैं ब्लॉग पे डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। या थोड़े घंटे के लिए वो करेंगे, फिर थोड़ा सा मूवी देखेंगे या सीरीज देखेंगे और फिर सो जाएंगे 11:30-12 बजे। सो लेट्स गो। सो हाय, अभी मैं इंट्रो लास्ट में डाल रहा हूँ। सो दैट्स माई व्लॉग होल, दैट्स द लाइफ ऑफ मेडिको, व्हाट्स मेडिको डू इन द रूम। सो एक्चुअली मैं व्लॉग टाइप के वीडियोज नहीं बनाता, मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। बट रिसेंटली वो कॉलेज सेंड इन द नोटिफिकेशन दैट यू हैव टू कम एट द कॉलेज फॉर कोविड ड्यूटी, एंड सो मैं पूरी मेरी बैच में से अकेला ही हूँ एंड अदर्स आर द सीनियर। सो एक्चुअली वो कॉलेज इज इन विलेज एरिया, सो वहाँ पे उतने केसेस नहीं है, उतना काम भी नहीं होता है, ओनली कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क इज दैट। सो पूरा दिन रूम पे ही होता हूँ, तो मैंने सोचा कि ना ब्लॉग बना देता हूँ। और जो भी फ्रेशर्स है उनको ऐसा दिमाग में होता होगा लाइक हाउ इज द लाइफ ऑफ मेडिको, व्हाट्स दे डू इन दैट रूम एंड ऑल दैट थिंग। सो तभी मैंने ये ब्लॉग बनाया। एंड एजुकेशनल वीडियो मैं अभी नहीं अपलोड करूंगा 1 वीक तक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइक नहीं है, ट्राईपोड नहीं है, उसके बिना बनेगा लेकिन अच्छा नहीं बनेगा। सो अभी थोड़े दिन बाद ही रखूंगा। एंड जो भी मैं कम्युनिटी पे डाल रहा हूँ क्वेश्चंस हर रोज MCQ, वो तो डालता ही रहूंगा। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, और भी ऐसे वीडियो चाहिए, और भी ऐसे ब्लॉग चाहिए, और भी ऐसे स्टोरी चाहिए, एजुकेशनल वीडियो चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड चाहिए, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।